हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप लोग की जेईई मेन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाता भी हूँ, तो मेरी एक ड्यूटी भी बनती है कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है। मतलब ज़्यादा स्कोर आने चाहिए, मैटर ही नहीं करता कि किस टॉपिक से स्कोर आ रहा है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द जेईई मेन में कितना टोटल स्कोर आया, ये मेन मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता कि वो स्कोर कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि मात्र फिजिक्स में ऐसे 4 से 5 टॉपिक्स हैं जिनको यदि अच्छे से किया जाए तो 100% आप अच्छे मार्क्स पा सकते हो। इवन ओनली इन फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री और मैथ्स का मैं बहुत ज़्यादा आइडिया इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि यार मैं वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ। तो मैं एकदम एक्सपीरियंसड ही, मतलब जैसे कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। 4 से 5 टॉपिक्स मात्र ऐसे हैं माई डियर जो कि आपको अच्छा खासा पकड़ बना के दे सकते हैं जेईई मेन में। कौन से वो टॉपिक्स मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा, ये आप लोग जनरली जेईई मेन में टॉपिक्स है जो आप लोग देखते हैं, क्लियर है। जनरल फिजिक्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, इसमें बहुत सारे आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैं मेनली उन टॉपिक्स को यहाँ पे मार्क करूंगा जिनसे आपके स्कोर सच में अच्छे आ सकते हैं, वो टॉपिक्स जिनकी मदद से आप सच में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। जैसे देखिए, जनरल फिजिक्स आपको कन्फर्म करना चाहिए क्योंकि आपको ये मुश्किल से लेगा 6 से 7 घंटे लेता है, ठीक है ना। और इसमें आपका एरर, डायमेंशनलेसेस एंड साथ में प्लस आपका थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट्स कौन से, लाइक वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इनसे कंफर्म यदि अपन बात करें तो ये देखने को मिलता है कि पूरे पेपर में कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं डायमेंशनलेसेस, एरर या फिर इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। और ये मुश्किल से आपको इसमें 6 से 7 घंटे या 8 घंटे देने होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें फिक्स होता है कि यही यही फॉर्मूले होंगे या फिर यही वेरिएशन होंगे, इनमें थोड़ा मोड़ा यदि दिमाग लगाएगा तो मुश्किल से इतना दिमाग लगाएगा। सो देखिए, बात ये नहीं है कि और टॉपिक्स जो है वो मतलब उनसे क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं नो डाउट, लेकिन मैं वो टॉपिक क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं रोटेशन, ठीक है ना। यार इसमें वेरिएशंस बहुत सारे जोड़े जा सकते हैं, इसमें मानिए चाहे ना मानिए इस टॉपिक में ना इतने सारे वेरिएशंस और इतने सारी कॉन्सेप्चुअल थिंग्स हैं कि आप यदि मान लीजिए इसमें अपना 20 घंटे का तैयारी कर गए हैं तब भी आप ये अश्योर नहीं हो सकते कि इससे इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और हमसे बन ही जाएगा। लेकिन जनरल फिजिक्स में वेरिएशंस फिक्स्ड है कि भाई इतने से ही क्वेश्चन आता है। इस वजह से मेरा ये मानना रहता है कि आप इन टॉपिक्स को तो कंफर्म करके चलिए, आप ये लेके चलिए कि भाई कुछ भी हो जाएगा मुझे इन टॉपिक्स में तो अच्छा करना ही करना है ना, बनना ही बनना है, ठीक है। उसके अलावा अगला टॉपिक आप यदि याद रखना चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन याद रख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड आपको हर साल एक क्वेश्चन देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है, ठीक है ना। और यदि इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड नहीं मिलेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड आप लोगों को ग्राफिकल वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। सो एट द एंड ऑफ द लिंक सेम चीजें होती हैं। सो व्हाट आई विल से कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन देख के चलिए, ठीक है ना। जनरल एक क्वेश्चन आता है, जनरली वी इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस आप एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन एनर्थ सेकंड दैट इज यू प्लस ए वाई टू इंटू 2n माइनस 1, क्लियर है। ये 4 इक्वेशन आपको कन्फर्म मार्क्स देती है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो आपको फोकस करना चाहिए, एनएलएम पे मैं नहीं कहूंगा कि आप एनएलएम पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, अब वर्क पावर एनर्जी में डब्ल्यूईटी भी फोकस कर लीजिए। डब्ल्यूईटी मतलब बोले तो वर्क एनर्जी थ्योरम, क्यों? क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम का कारण है, वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्चुअली कोई लिमिटेशन नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम का कोई लिमिटेशन नहीं होता। मतलब इंटरनल फोर्सेस चलते यदि वर्क डन हो रहा तो उसका भी कंट्रीब्यूशन ले लेंगे, यदि इंटरनल फोर्सेस चलते वर्क डन नहीं हो रहा होगा तो उनका कंट्रीब्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट वी विल वरी अबाउट व्हाट ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक स्यूडो फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। और इसका आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, हर साल माई डियर आपको इस पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि वर्क एनर्जी थ्योरम का डायरेक्टली आपको मैकेनिक्स में वो क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन हो लेकिन वो बन किससे रहा हो आपका, वर्क पावर एनर्जी से बन रहा हो सकता है वो रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन हो लेकिन बन किससे रहा हो, वर्क एनर्जी थ्योरम से बन रहा हो सकता है कि वो SHM का क्वेश्चन हो लेकिन वो हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन से बन रहा हो, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से बन रहा हो। मतलब मेरा ये कहना है कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम यदि बनता है तो आप अपने आप को एश्योर कर लेते हैं एक क्वेश्चन के लिए कि भाई एग्जाम हॉल में आप एक क्वेश्चन तो कन्फर्म उठा देंगे, क्लियर है। उसके बाद जो अगला टॉपिक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ डायरेक्टली वो सजेस्ट करूंगा मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में यहीं पे सेमीकंडक्टर भी लेके चलना है, सेमीकंडक्टर भी साथ में,
लॉजिक गेट्स भी साथ में लेके चलना है। तो इन टॉपिक्स को करने में जानते हो कितना घंटा रहेगा? मुश्किल से 12 से 15 घंटे लगता है, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस कितने आते जानते हो? इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे सीधा सीधा 6 क्वेश्चंस। अब तुम पूछोगे सर 6 क्वेश्चंस कैसे? देखो यार, डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन तो मॉडर्न फिजिक्स में पूछता है, ठीक है। डायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, एक्सरे, ठीक है ना, फिर आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कॉन्सेप्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, ठीक है ना, और न्यूक्लियर फिजिक्स, उससे रिलेटेड बिट थोड़ा बहुत, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा डीके क्या होते हैं, फिर एनपी रेशियो, फिर पैकिंग फ्रैक्शन, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, मतलब सारा कुछ ऐसे करके आपसे पूछता है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो इन सब टॉपिक्स को मिला करके इन सब में बहुत ही आसानी से आप 12 से 15 घंटे में आप पूरा आसानी से कवर कर लेते हैं, और 4 क्वेश्चन। और लॉजिक गेट में जनरली देखा गया कि 1 क्वेश्चन तो पूरा पूछता है और 1 क्वेश्चन वो लिंक करके पूछ लेता है। जैसे मान लो कोई मल्टीपल करेक्ट दिया, अब मल्टीपल करेक्ट में एक ऑप्शन जो है वो लॉजिक गेट्स उठा के दे दिया, या फिर एक ऑप्शन उसने सेमीकंडक्टर उठा के दे दिया, है ना, 4 ऑप्शन में से एक। तो अब मानो या ना मानो वहां पे भी तो लॉजिक गेट का यूज आ गया ना। तो लॉजिकली ये मान के चलो कि तुम 5 से 6 क्वेश्चन अपने तुम कन्फर्म मान के चलो कि तुमको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे देखने को मिलता है मॉडर्न फिजिक्स में। इसी वजह से मेरा ये सजेशन है कि आप इसको भी करिए, क्लियर है। मुश्किल से 12 से 15 घंटे लेगा। और सच्चाई ये है कि जो बच्चे लास्ट में सीरियस होते हैं, लास्ट में बोलते हैं सर कोई टॉपिक बता दो जिसमें हम कुछ कर लें, भयानक कर दें, यार पहले कर लो ना, 2 महीने का समय, सीरियसली इन टॉपिक्स अभी कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ऑप्टिक्स में आपका वेव वाला जो पार्ट होता है, वेव ऑप्टिक्स, क्लियर है। वेव ऑप्टिक्स में श्योर शॉट 1 क्वेश्चन बोलूंगा। अच्छा, जनरल फिजिक्स में इस बार, पिछली बार भी आया था, वेक्टर से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, एरर के साथ तो आया ही, एरर डायमेंशन से तो आया ही, साथ में वेक्टर का भी क्वेश्चन लिंक कर दिया था, तो इसीलिए फंसना मत, ठीक है ना। पहले बता दिया हूँ कि जो टॉपिक बता रहा हूँ वो करना जरूर, ठीक है। वे ऑप्टिक्स एक क्वेश्चन कन्फर्म मान के चलो, YDSE एंड लिटिल बिट थोड़ा सा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट जो होता है दैट इज डिफ्रैक्शन, क्लियर है। तो डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा मोड़ा यदि आइडिया लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अलॉट, क्लियर है। तो अभी तक में हम देख सकते हैं कि मुश्किल से 30 से 40 घंटे की तैयारी में हम लोग ऑलमोस्ट, मतलब इतने सारे टॉपिक अपन ना भी टच करें, ठीक है, क्योंकि नो डाउट हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक का अपना वैल्यू है, लेकिन वो टॉपिक्स टाइम टेकिंग बहुत होते हैं, और टाइम टेकिंग के साथ साथ वेरिएशंस, मल्टीपल वेरिएशंस की पॉसिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से कई बार क्वेश्चन नहीं बनते। बट यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 5 से 6, 1 7, 1 8, 1 9, 9 ऑलमोस्ट 2 10, मतलब ये अपना मान चलिए 40 नंबर। अब जो आप अगला टॉपिक फोकस कर सकते हैं, जो मैं सजेशन दूंगा कि अगला टॉपिक आप फोकस कर सकते हो, कहिए, वो मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप पूछेंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी आप कह रहे हो कि वेरिएशन वाला टॉपिक मत करो, अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सजेस्ट कर दिए। बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सजेस्ट करने के पीछे कारण है, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको यदि आप पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपका पैरेलल में ग्रेविटेशन अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब क्वेश्चन, ये जो 7वां टॉपिक है और ये जो 14वां टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जब ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं माय डियर, तो उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में इन टॉपिक से ये मान के चलिए कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम हॉल में। और किसी एक टॉपिक को भी आप डिटेल में करते हैं तो आप अगले 2 टॉपिक्स अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, मतलब अगले टॉपिक में स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं पकड़। सो व्हाट आई विल से इज कि आप इन टॉपिक्स को पढ़िए, मतलब आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि हमारे पास मुश्किल से 4 से 5 टॉपिक है, 4 से 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, एक तरह से देखा जाए। और उन 4 से 5 टॉपिक्स को करने में मुश्किल से हम लोगों को कितने घंटे लगने वाले हैं, 60 आवर लगने वाले हैं। और उन 60 आवर्स में यदि फिजिक्स के आपके 50 मार्क्स कन्फर्म हो जा रहे हैं, और ये कन्फर्म बोल रहा हूँ मैं, ये मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ कि ये कन्फर्म होते हैं। कन्फर्म होने का कारण क्या, मैंने बोला एक्चुअली क्या ना कि इनमें वेरिएशन, टफ वेरिएशन देखने को नहीं मिलते, इसलिए हम उसको कन्फर्म मार्क्स की तरह ले सकते हैं कि भाई ये कन्फर्म होते हैं, नहीं इतने मार्क्स आएंगे ही आएंगे इसमें, क्लियर है। सो प्लीज़ फोकस करिएगा, ठीक है। और बच्चा पार्टी, इस चैनल पे नए हो तो चैनल पे नए हुए थी तो उस कंडीशन में एक ही बात बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारे वीडियोस का, सारे अपडेट का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलता है जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जेई मेन की तैयारी में और जेई एडवांस की तैयारी में मैं आपको काफ़ी सारी मदद करने वाला हूँ। सो प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को, क्लियर बच्चा पार्टी। एंड उसके अलावा आप सब लोगों के लिए एक अपडेट, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अकेडमी में भी क्लासेस लेता हूँ, IIT जेई कॉम्बैट, क्लियर है। आप लोग का अनअकैडमी एक कंडक्ट करा रहा है, एक एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कि हर संडे को होता है 11 बजे, क्लियर है। 21 क्वेश्चन 60 मिनट्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ मैं, कोड KP सर यूज करके, और उसमें रजिस्ट्रेशन करिए। इसमें देखिए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो क्वेश्चन बनाए गए होते हैं, उन क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है,
साथ में आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चलती है एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस पेपर में आप अच्छा करते हैं तो करोड़ों की आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, मतलब करोड़ों की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं, मतलब टॉप रैंकर्स को तो 100% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, क्लियर है, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और ये सेपरेटली है क्लास 11, 12, 13, मतलब ड्रॉपर्स के लिए, 11th वालों, 12th वालों के लिए, सबके लिए, क्लियर है। पीछे वाली आवाज पे मत जाइएगा, एक्चुअली गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ठीक है। दूसरा चीज ये कि रैपिड रिवीजन बैच बच्चा पार्टी आप लोग का ये टीचर्स के द्वारा 3 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, सो प्लीज डोंट मिस इट। यदि आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए एज सून एज पॉसिबल। और बहुत ही जल्दी इसमें मेरा भी बैच आने वाला है, कार्तिकेय पांडे का बैच आएगा, ये बैच आप लोग का रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाला है 8th ऑफ दिसंबर से। सो इसको भी आपको ज्वाइन करने के लिए वही कोड यूज करना है केपी सर कोड यूज करने में आपको फर्दर 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है, क्लियर है, सो उसको मिस मत करिएगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चा पार्टी अनअकैडमी सुपर 20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए अपडेट है। इस सुपर 20 में आप लोग यदि अच्छा करते हैं तो 500 रैंकर्स में से मतलब कुछ बच्चों के लिए ये बूट कैंप ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जिसका अनअकैडमी पूरा चार्जेस पे करेगा, है ना। उस बूट कैंप में आप टॉप एजुकेटर से मिल सकते हैं, डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं सब कुछ, और इसमें आपका इंटरेक्टिव सेशन होंगे टॉप ऑल इंडिया टॉपर्स से भी और साथ में टॉप एजुकेटर से भी, क्लियर है। कोड यूज करना है आपको केपी सर एनरोलमेंट के लिए, विदाउट मिसिंग इट गो फॉर इट। और इसमें देख सकते हैं आप लोग कि सुपर 20 में अच्छा करने वाले बच्चों के लिए मतलब ये प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, ठीक है ना, एक तरह से ये नवंबर 30 से स्टार्ट है, 7 नवंबर तक चलेगा, फिजिक्स का होगा 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, केमिस्ट्री का 4 दिसंबर से 11 दिसंबर, मैथ्स 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। इसमें अच्छा करने वाले बच्चों के लिए रैंक 1 से 20 के लिए आप लोग देख सकते हो कि 100% स्कॉलरशिप भी और साथ में बूट कैंप में भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, क्लियर है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ बिग 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 डील फॉर ऑल ऑफ यू। सो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, बाय यूजिंग कोड केपी सर यू कैन एनरोल फॉर इट, ओके बच्चा पार्टी। सो आई होप सो कि आप लोगों को मैं आज की वीडियो में आपके साथ न्याय कर पाया हूँ, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई होंगी और आप इन बातों को सीरियसली लेंगे और एग्जाम में अपने अप्लाई करके देखेंगे। सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।